वी हैव टॉक्ट अबाउट शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग और हमने ये देखा कि किस तरह उसी इंटरेस्ट रेट को जब हम बार बार अप्लाई करते हैं तो उससे कैसे हमारी फ्यूचर और प्रजेंट वैल्यू में फ़र्क पड़ता है सो इफ़ वी आर अप्लाइंग अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर फ्रीकुनटली वी से दैट दिस एक्चुअली इंक्रीजिज द एफेक्टिवनेस ऑफ द रेट यानी ये रेट हमें ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू देने लगता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक दफ़ा अप्लाई किया जाए तो वो जो फ्यूचर वैल्यू हमें देता है अगर उसे ज़्यादा मरतबा अप्लाई किया जाए तो वो ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू हमें देता है इस बात को हम इन अल्फाज में कहते हैं कि इससे रेट की इफेक्टिवनेस बढ़ गई है और इसी हवाले से हम इसे इफेक्टिव रेट ऑफ

तो उससे उसके अंदर कितना इजाफा होता है फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव गॉट टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी गो फॉर लेट्स ए क्वार्टरली कंपाउंडिंग सो दिस टी ट्री और टेन पॉइंट फोर परसेंट बट दिस फॉर्मूला एक्चुअली हेल्प्स अस टू गेट एक्यूरेट एग्जैक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली अबाउट Uh, R divided by a factor M, which is also the power of this whole expression. This M is actually the number of compounding periods in one year. For example, if I am talking about a nominal annual rate of interest and compounding is done semi annually or twice in a year, so in one year there will be two compounding periods. Similarly, if I am talking about quarterly compounding, तो फिर एक साल में क्योंकि चार quarters होते हैं, तो m की value four हो जाएगी। और इसी तरीके से हम अगर अपने time periods को shorter करते चले जाएँ, so we will have more and more compounding periods in that. So once we calculate uh, with the help of this formula, divide the rate of interest r, which is the nominal rate of interest, with the number of compounding periods. एड वन इन इट एंड टेक इट्स पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपाउंड पीरियड वो वही एम है जो कि हमने जिसको आर से डिवाइड किया है एंड देन वी सब्ट्रैक्ट वन आउट ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेट ओनली दैट एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच वी वॉन्ट टू कैलक्यूलेट ये जो आंसर हमारे पास आएगा वो डेसेमल में होगा तो उसको परसेंटेज में शो करने के लिए इस फॉर्मूले में हम उसको वन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं अल्टीमेटली वी गेट एन आंसर इन परसेंटेज वो आंसर ऐसे होगा टेन पॉइंट फोर थ्री परसेंट या जो भी उसके अंदर परसेंटेज आएगी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया जाता है ये अमूमन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है uh, हम सब का एक्सपीरियंस है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वी रेफर इट टू एज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, 13, 14, 9, 8 परसेंट इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इन सम केसिस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस फॉर अ शॉर्टर पीरियड यानी कभी यूं भी होता है कि रेट मंथली दे दिया जाता है या रेट क्वार्टरली दे दिया जाता है उस केस में जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे दैट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सो वी नीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एम विच इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रेट क्वार्टरली दिया गया है और हमसे कहा जाता है कि कंपाउंडिंग मंथली बेसिस पर होगी तो अब हमें क्वार्टर और मंथ के रिलेशनशिप को देखना है यानी एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं बिकॉज वी हैव गॉट ट्वेल्व मंथ्स इन अयर सो इन अ क्वार्टर वी हैव गॉट थ्री मंथ्स सो हेयर एम विल इक्वल टू थ्री और इसी तरीके से अगर एक एनुअल रेट को हम मंथली रेट में कन्वर्ट करेंगे सो द वैल्यू ऑफ एम विल बी इक्वल टू 12. So it all depends that whether the rate of interest is annual, semi-annual, quarterly, or monthly, and for how frequently we want to actually compound it. So uh, shorter is the compounding period, and we'll keep on getting uh, a different uh, future value accordingly. So if the rate of interest is semi-annual and ंग अबाउट क्वार्टरली कंपाउंडिंग तो क्योंकि एक आधे साल में सेमी ईयर में दो पीरियड्स होते हैं तो इसी तरीके से एम की वैल्यू टू हो जाएगी तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख कर इस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की करे। Now, let's have a look करें at, at this example and try to see that how much is the increase in the rate of interest when we actually apply this formula of Effective rate of interest. Suppose we have got 12% rate of interest, and initially we go for semi-annual compounding. We can have a look at the calculations when 12% is divided by 2 and its power is taken as 2. And ultimately we get the rate equal to 12.36%. Yani 12% nominal rate agar semi-annually compound kiya. तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ के ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट रेट के बराबर हो जाती है सिमिलरली इन द अदर पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन इन विच वी आर गोइंग फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्योंकि सेमी एनुअल से ज़्यादा फ्रीक्वेंट है तो यहाँ पर आप देखिए कि रेट जो है वो 12.36 परसेंट से भी मज़ीद बढ़ के ट्वेल्व परसेंट हो गया है यानी वही नामिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 12 परसेंट था

अफ़ेक्टिव रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता चला जाएगा